आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ ऐसे योगासन जिसके फायदे चमत्कारी है। ये वीडियो आपके लिए तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ ये वीडियो आपको दिखाना है आपके माता पिता को और आपके दादा दादी को, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा क्या है उसे समझ लीजिए। पहला मकसद है कि जब हम हर सुबह उठते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करने में पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, उन्हें जिम नहीं जाना होता है, उन्हें रनिंग करने नहीं जाना होता है। तो ये आसन कुछ ऐसे आसन है जो आप बिस्तर से उठने के ठीक बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट में अपने बेड में ही कर सकते हैं, मतलब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप में से कई लोग आपके जॉइंट्स के बारे में नहीं जानते हैं। जब मैं योगा का सर्टिफिकेशन ले रहा था तब मैंने ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी कि आपके जॉइंट्स आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आपके जॉइंट्स के बीच में एक कैप्सूल होता है जो कि आपके जॉइंट्स को ठीक रखता है और उन्हें चलाने में काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम कई बार उन जॉइंट्स को मूव ही नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके दादा दादी या फिर नाना नानी के पैरों में या फिर कोहनी में या फिर कमर में या कंधों में बहुत ज्यादा पेन रहता होगा, सूजन बनी रहती होगी और उन्हें घुटनों की या फिर कंधे के दर्द की प्रॉब्लम बनी रहती होगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कई बार हम कई सालों तक ऐसे बहुत सारे जॉइंट होते हैं जिन्हें मूव ही नहीं करते हैं और जिसकी वजह से वो जो कैप्सूल होता है जो कि हमारे जॉइंट्स को मूव करता है वो चिपक जाता है उन जॉइंट्स के बीच में। जैसे हम भारतीयों की तो बहुत सारी ऐसी आदतें लगाई जाती है बचपन से कि हम अपने जॉइंट्स को मूव करते रहें, लेकिन विदेशियों को मैंने देखा कि वो अपने पैरों को फोल्ड नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम पालकी मार के खाना खाते हैं उस प्रकार से वो पालकी जीवन में कभी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें कुर्सी पर बिठाकर खाना खिलाया जाता है। तो इसलिए जॉइंट मूवमेंट हमारे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जॉइंट है, लेकिन मुख्य 7 ऐसे जॉइंट है जिन्हें हमको हर रोज मूव करना ही चाहिए और उनको मूव करने की कुछ विधियां होती है जो कि पवन मुक्तासना सीरीज 1 के अंतर्गत आती है, जो कि आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको भविष्य में कभी भी घुटनों का, कोहनी का, कंधे का या फिर किसी भी प्रकार का कोई जॉइंट पेन ना हो और वो कैप्सूल आपका ठीक बना रहे ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं इंटरनेशनल योग ट्रेनर भी हूं, जो कि मैंने अपने खुद के लिए सीखा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी को सिखाऊं ताकि आप जीवन भर स्वस्थ बने रहें। तो चलिए जानते हैं उन आसनों के बारे में और उन्हें कैसे करना है, मैं आपको सिखाता हूं। 7 महत्वपूर्ण जॉइंट देखते हैं हम नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके टखनों का जॉइंट जो कि पैरों में होता है। उसके बाद आप आते हैं घुटने के जॉइंट पे, तीसरे नंबर पर हम आते हैं कमर के जॉइंट पर, चौथे नंबर पर हम आते हैं कंधों के जॉइंट पर, पांचवें नंबर पर हम आते हैं कोहनी के जॉइंट पर, छठवें नंबर पर आते हैं हम कलाई के जॉइंट पर और 7वें नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है आपकी गर्दन का जॉइंट। तो ये 7 जॉइंट है जो कि आपको हर रोज मूव करना है। अब उसे कैसे मूव करना है आइए इसे सीखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके पैरों के पंजों से। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से बैठना है और अपने पैरों के पंजों से शुरुआत करना है। पैरों के पंजों को पीछे की ओर लाना है और श्वास लेना है, और जब आप वापस आगे की ओर छोड़ते हैं तो आपको श्वास छोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप अपने जॉइंट्स को मूव कर रहे हैं तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। जैसे आप अपने जॉइंट्स को मूव करते हैं वैसे ही आपको श्वास लेना है और श्वास को छोड़ना भी है। तो इससे आपको शुरुआत करना है। इसके बाद सबसे पहले आपको अपने टखनों को इस प्रकार से रोटेट करना है क्लॉकवाइज, और उसके बाद इसी प्रकार से आपको एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करना है, और इसे लगभग 3 से 5 बार आप एक साइड में घुमा सकते हैं। इसके बाद आपको अपने घुटनों के जॉइंट्स को मूव करना है। पैरों को इस प्रकार से पकड़ लेना है, सबसे पहले एक पैर के साथ करेंगे और उसके बाद इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर के साथ करना है। तो सबसे पहले आपको अपने पैरों को अपनी थाइस से दूर करना है और उसके बाद वापस अपनी थाइस के पास लेकर आना है। आपके दोनों पांव एक्टिव होना चाहिए, ये बात विशेषतः आपको ध्यान देना है। तो जब आप अपने पैरों को दूर करेंगे तो आपको सांस लेना है, और जब आप वापस से पास लेकर आएंगे तब आपको सांस को छोड़ना है। एक एक पैर से इस प्रक्रिया को आपको 3 से 5 बार करना है, जितने में आप कंफर्टेबल इसे कर सके। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने हाथों के पंजों के जॉइंट मूवमेंट्स पर। आपको इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को सामने रखना है और जोर से सांस लेते हुए सारी की सारी उंगलियों को पीछे करना है, जैसे कोई पकड़कर खींच रहा हूं। इस समय में आपको सांस लेना है और वापस आपको अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बनाना है और अपनी सांस को छोड़ना है। इसे भी आपको 3 से 5 बार करना है। इसके बाद आता है कलाइयों का जॉइंट मूवमेंट। आपको अपने हाथों को इस प्रकार से सामने रखना है और इसके बाद अंगूठे को अंदर करके आपको मुट्ठी बना लेना है, और फिर क्लॉक वॉइस और एंटी क्लॉक वॉइस आपको 3 से 5 बार जैसे कंफर्टेबल आप महसूस करें उतनी बार आपको दोनों ही साइड घुमाना है। एक साइड जब ऊपर की ओर जाते हैं तो श्वास लेना है, और जब हाथ नीचे की ओर जाएगा तो आपको श्वास छोड़ना है। इसके बाद आता है आपकी कोहनी का जॉइंट मूवमेंट। सबसे पहले आपको अपने हाथों को इस प्रकार से रखना है, बाहर की ओर हाथ ले जाते हुए सबसे पहले आपको श्वास लेना है और अंदर की ओर लाते हुए आपको श्वास छोड़ना है।
इस प्रक्रिया को भी आपको 3 से 5 बार बेड पर बैठे बैठे ही करना है। इसके बाद आता है कंधों का जॉइंट मूवमेंट। इस प्रकार से अपने हाथों को अपने कंधों पर रखना है और आपको क्लॉक वॉइस और एंटी क्लॉक वॉइस ऊपर की ओर जब आपका हाथ जाता है तो आपको श्वास लेना है, और जब आपका हाथ नीचे की ओर आता है तो आपको श्वास छोड़ना है, और इसे भी आपको 5-5 बार क्लॉक वॉइस और एंटी क्लॉक वॉइस करना है। और इसके बाद में आता है कमर का जॉइंट मूवमेंट। इस प्रकार से आपको खड़े हो जाना है और अपनी कमर को आपको एक साइड लगभग 4 से 5 बार और दूसरी साइड भी लगभग 4 से 5 बार इस प्रकार से घुमाना है। और लास्ट में आता है आपके गर्दन का जॉइंट मूवमेंट, जिसको आपको कुछ इस प्रकार से करना है। अपने सर को किसी भी एक साइड रखना है और नीचे ले जाते हुए आपको श्वास लेते और छोड़ते हुए दूसरी साइड ऊपर की ओर आना है। अब ध्यान रखिएगा, आपको अपनी गर्दन को पूरी तरीके से रोटेट नहीं करना है, 180 डिग्री आपको रोटेट नहीं करना है, सिर्फ 90 डिग्री आपको रोटेट करना है एक साइड, और फिर वापस लाते हुए आपको 90 डिग्री रोटेट करना है, श्वास लेते हुए छोड़ना है बीच में, और फिर लेते हुए दूसरी ओर जाना है। इसे करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन यकीन मानिएगा ये पवन मुक्तासना की सीरीज ए जो है आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगी, क्योंकि उसके बाद आप बहुत ज्यादा फ्री महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पूरे ज्वाइंट मूव हो चुके होंगे। यदि आपके माता पिता या दादा दादी में से किसी को भी पहले से बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन होता है और इन एक्सरसाइजेस को करते हुए भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उसे मत करिएगा, किसी एक्सपर्ट की पहले सलाह लीजिएगा और उसके बाद इसे कीजिएगा। लेकिन आप तो अभी यंग है, यदि अगले 15 दिन तक आप इस पवन मुक्तासना सीरीज को करते हैं तो आप अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज महसूस कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसी हेल्थ सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट आसन आपकी लाइफ के लिए जो जरूरी है उन्हें मैं लाता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।